आप कई महीनों से बात कर रहे थे, आपने प्लान बनाया मनु यादव से शादी करने के लिए, ये कितनी सच्चाई है? गलत बात है, इसमें कुछ भी सच्चाई। तो क्या बात करेंगे अपने परिवार वालों को? देखिए, इसमें कैसे माफ किया जाएगा? आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, दादी बूढ़ी दादी हैं, वो तो है जो है, कौन देख रेख करेंगे? देख रेख तो कर लिए हैं आप लोग, सिंदूर तो दे चुके हैं, मंगलसूत्र तो पहना दिए हैं आपको, अब ये तो क्या आप इनको पति मान लिए हैं कि अभी भी आप छोटू के याद में? पति तो इसको मानेंगे ही ना, हमको लगता है इसमें भी छोटू अभी बस। जी हाँ, इस वक्त आप आरती, आरती के पति और आरती के ससुर को देख रहे होंगे। इससे पहले आरती यहाँ पर एक विधवा बन के रह रही थी, लेकिन आज के तारीख में यहाँ की ये बहू है और ससुर उमेश यादव जी हैं और मनु यादव पति हैं। आरती जी से हम बारी बारी से सवाल करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे शादी का सफ़र क्यों आगे तय कर रही हैं ये। जो लड़की कहती थी कि मैं ताउम्र विधवा रहूँगी, ऐसे क्या परिस्थिति आ गई जो इनको यह कदम उठाना पड़ गया। सबसे पहले आरती, आप ये बताएं, आपकी शादी हो गई, किस परिस्थिति में आपने शादी किया? कि सबका ऐसे मतलब बोल लेते, सब समाज सब ऐसे, सबका राजा मंदिर से हुआ है। आप तो छोटू से प्यार कर रही थी जी, तो क्या प्यार, ये प्यार के ही चलते हम शादी किए हैं, ताकि हम शादी कर लेंगे तो मेरा प्यार अभी तक जिंदा रहेगा, जब तक हम रहेंगे तब तक। यानी आप अपने प्यार को बचाने के लिए शादी किए हैं जी? क्या इस बिना शादी के प्यार नहीं बचा सकते थे आप? बच सकता था, लेकिन शादी करने के बाद एक और हो सकता है, मजबूत हो गया है, साथ मिल गया है जी। शादी किया आप, कैसा लग रहा है आपको अब? जी कैसे लगेगा, अंदर से दुखी हैं, लेकिन बाहर मजबूरी में गांव समाज का अथी से किए हैं ये, लेकिन ये नहीं कि मतलब अपने खुशी के लिए, अपने छोटू के लिए खुशी के लिए मतलब किए हैं। लोग कहते हैं कि मनु यादव से आपके रिश्ते पुराने हैं, आप कई महीनों से बात कर रहे थे, आपने प्लान बनाया मनु यादव से शादी करने के लिए, ये कितनी सच्चाई है? गलत बात है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। जो दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, वो सब क्या है? गलत न्यूज़ नहीं फैलाना चाहिए, बहुत गलत है, हम लोग का पहले से कुछ भी प्लानिंग नहीं था। कोई प्लानिंग नहीं था? नहीं। अच्छा, मनु यादव अचानक पंजाब से घर आते हैं और शादी हो जाती है, तो लोगों को लगता है यही ना कि पता था नहीं, अचानक आया, शादी कैसे हो गया? मतलब पहले से पापा सब समाज सब में बात कर रहे थे, आए तो इसको भी बताए। तो लाउडली बोलिए ताकि आवाज़ क्लियर समझ में लोगों को आए। गला फंसा हुआ, गला नहीं, गला फंसा हुआ। पानी पिलाइए। गला फंसा हुआ है? अच्छा, जिस दिन से हंगामा हुआ है ना, उस दिन से इसका गला लग गया है, मतलब बोलने इंटरव्यू देने में इसका गला फंस गया, इसलिए ज्यादा फ्रेश नहीं बोल पाते हैं। अच्छा, नहीं नेक्स्ट बात जो जैसे बोलना बोलिए ताकि आवाज़ स्पष्ट ना दे, क्योंकि ये जो इंटरव्यू चल रहा है ना, वैसे पत्रकार इंटरव्यू कर रहा है जो आपको शुरू से साथ देते आ रहा है, ठीक है, और कोई मीडिया सिर्फ आपके परिवार का ऊपर लांछन ही लगाया है कि उमेश यादव का परिवार कैसा है, छोटू कैसा है। मैं ही वैसा हूँ जो हर समय बोलता हूँ, छोटू से गलती नहीं हुई, छोटू ने सिर्फ प्यार किया था और प्यार के खातिर वो मिलने के लिए गया, जिसके कारण उसकी हत्या हो गई। लेकिन आरती, आपसे सवाल यह है, आपको अपने परिवार का याद आता है? देखिए, उस तरह का हो गया तो याद कैसे आएगा, उस तरह का नहीं रहता तो अभी तो हम लोग इस तरह ये हाल भी नहीं होता। आरती जी, आपके पूरे परिवार कटघरे में खड़े हैं। कटघरे में खड़े, कटघरा में खड़े होने वाले काम किए तब तो खड़े हैं, आज वो काम नहीं करते तो थोड़े ना कटघरे में खड़े होते। क्या आपके वास्तविकता में वो आपके माता पिता हैं? देखिए, वो तो जन्म दिए हैं माता पिता है, जन्म दिए हैं आपको। देखिए, लोग ये लगता है कि कहीं सौतेला तो बाप नहीं है वो। हम ये बात नहीं करते कि सौतेला बाप नहीं, जन्म दिए हैं तो, लेकिन जन्म दिए तो उस तरह का काम किया है तो उसको कैसे हम सच्चाई के साथ देने हैं। जन्म माता पिता है तो माता पिता को उस तरह का नहीं करना चाहिए था। लोग कहते हैं कि आरती को अपने परिवार वालों को साथ देना चाहिए, क्योंकि अपने प्यार के खातिर पूरा परिवार बर्बाद कर दे। देखिए, अपने परिवार वालों को कैसे साथ देते, किसी का आखिर वो भी किसी का बेटा था ना, फिर उसका भी परिवार था ना, फिर अपने उस बेटे की जगह पर अपने बेटे को मारते तो कितना दर्द होता उसको।
तो क्या आप माफ़ करेंगे अपने परिवार वालों को? देखिए, इसमें कैसे माफ़ किया जाएगा? आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, दादी बूढ़ी दादी हैं, वो तो है जो है, कौन देख रेख करेंगे? देख रेख कौन करेंगे, वो तो वही जानेंगे, हम उसमें कैसे बता सकते हैं? आपके उनके घर के बेटी हैं ना आप? हम तो बेटी हैं, हम नहीं, कहाँ बोलने की हम बेटी नहीं है तो, लेकिन उस तरह काम किया तो उस तरह जो जैसे करेगा तो वैसे करना ही। नौ लोगों को सजा दिला के रहेंगे आप? हाँ, दिला के रहेंगे हम। लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं कि हम सजा दिलाएंगे, क्योंकि इनके सामने अपराध हुआ है, उनके सामने अपराध हुआ है, और ये शादी करने के बाद भी उसी बातों पर अडिग है। अच्छा, जो बात कही जाती थी कि विधवा रहेंगे, शादी कर लें, उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं आप? पूछ सकते हैं ये सबसे। आप क्या कहेंगे? पूछ लीजिए। आप इस पर जो विधवा के सवाल उठाते हैं, छोटू से शादी नहीं किया था, सिर्फ प्यार किया था। शादी कर लेता तब तो ये विधवा होता या और कुछ होता। इस शादी नहीं किए हैं तो ये विधवा कैसे हुआ? और उसी छोटू को प्यार को जिंदा रखने के लिए मनु से शादी किया है, और मनु भी संकल्प लिया है कि से उस प्यार को हम निभा देंगे। जो आपके ऊपर गलत अफवाह उड़ा रहे हैं, उनको क्या कहना चाहिएगा? उन लोग से यही विनती करते हैं कि आप गलत अफवाह मत फैलाइए, और आगे तो भी नहीं बोल सकते हैं। आरती शादी के बाद कहाँ रहेगी, यहाँ की पंजाब? ये बात अभी डिसाइड नहीं कर सकते हम। पसंद आ रहा है घर? समय के अनुकूल बताएंगे, अभी तो स्थिति गड़बड़ है, बाकी देख रहे हैं। अभी पहले नहीं बताएंगे कि जैसे अभी एक बार बता दिया कि विधवा बन करेंगे तो अब उस बात को लेकर के कितना सवाल उठ रहा है, इसीलिए अभी बता नहीं सकते कि कहाँ रहेंगे फिलहाल। समय के अनुसार बताएंगे क्या करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि समय कब क्या होता, कब मोड़ लेता है पता नहीं चलता है, किसके साथ क्या हो जाता है। छोटू से प्यार का शुरुआत कैसे हुआ था आपका? सब देखिए सर, हम पहले बता चुके हैं, अब बताइए फ्रेश। हम बीते हुए बात को नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, रहने दीजिए सर, वो मतलब। अच्छा, अभी जो दौर चल रहा है इसके बारे में क्या कहिएगा? मनु जी कैसे लग रहे हैं आपको, पति के रूप में कैसे लग रहे हैं आपको ये? ठीक है। ठीक लग रहा है। आज आप इनको पति माने हैं कि नहीं माने हैं? शादी तो हो गई है आपको। देखिए, दो तरह से लोगों को अपनाया जाता है, एक सामाजिक दबाव से, एक खुद से, आत्मा से। आप तो शादी कर ली हैं, आप लोग सिंदूर तो दे चुके हैं, मंगलसूत्र तो पहना दिए हैं आपको। अब ये तो क्या आप इनको पति मान लिए हैं कि अभी भी आप छोटू के याद में? पति तो इसको मानेंगे ही ना, हमको तो लगता है इसमें भी छोटू अभी बसा हुआ है। आपको लगता है? जी हाँ, आप आरती को देख रहे हैं और आरती को लग रहा है कि छोटू का आत्मा इनके अंदर बसा है, क्योंकि इसलिए कह रहे हैं कि ये भाई अपने छोटू को पढ़ाते थे, पैसा भेजते थे, छोटू पढ़ता था, या भाई महज छठा पास है और अपने भाई को बीए पार्ट वन का सफ़र तय करवाए। इनके परिवार में सिर्फ छोटू ही उतना दूरी तय कर पाया पढ़ाई लिखाई में, और कोई पहुंच नहीं पाया था, बस छोटू को ये पढ़ते हुए देखना चाहते थे। क्योंकि छोटू घर का छोटा था और लोगों को लगता था कि कुछ नौकरी मिल जाएगा तो घर का बोझ हल्का हो जाएगा, घर में नौकरी रहेगी तो घर में खुशहाली रहेगी, लेकिन दुर्भाग्य देखिए छोटू नहीं है। देखिए, छोटू का मन में था कि हम पढ़ लिख करके कोई बड़ा अफसर बनेंगे, उसका मन में यही ख्वाहिश था, इसलिए वो पढ़ रहा था। और मनु को देख सकते हैं, छोटू के प्यार को अपना ली हैं ये। अपने आप में ये कठिन समय होता है किसी को अपनाना, लेकिन फिर भी अपना है ये, खुद गिल्ट महसूस करते हैं लेकिन कर क्या सकते हैं ये, क्योंकि इनके परिवार में कोई ऑप्शंस नहीं बचा। अगर आरती से ये शादी नहीं रचाते तो फिर आरती जाती कहाँ? आरती के पीछे कई तरह के दुश्मन लगे हुए हैं, क्योंकि ये वो लड़की है जो अपने पूरे परिवार वालों के खिलाफ है और यहाँ रह के न्याय की लड़ाई लड़ रही है, इसको न्याय चाहिए। ये साफ साफ कह रही हैं कि इनके माता पिता और परिवार वाले दोषी हैं, लेकिन सवाल लोग करते हैं कि आरती को अपने परिवार का साथ देना चाहिए।